नमस्कार, मैं हूँ शिवांगी शुक्ला। प्राइम न्यूज 24 में स्वागत है आप सभी का। परिवहन मंत्री ने किया प्रदेश की सड़क सुरक्षा स्तंभ परिषद की बैठक को संबोधित। हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि सड़क बनाना ही पर्याप्त नहीं है, सड़कें सुरक्षा मानकों पर खरी भी हो ताकि दुर्घटनाओं को कम किया जा सके। परिवहन मंत्री यहां हरियाणा निवास में प्रदेश की सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक को संबोधित कर रहे थे। परिवहन मंत्री ने कहा कि वर्तमान में धुंध का समय है, ऐसे में सड़कों पर सुरक्षा के दृष्टिगत प्राथमिकता से कार्य करते हुए सड़कों पर मार्किंग और ट्रैक्टर ट्रॉली आदि वाहनों पर रिफ्लेक्टर और रिफ्लेक्टिव टेप संबंधित विभाग तत्काल लगाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सड़कों पर घूमने वाले लावारिश पशुओं और गायों के सींगों पर भी रिफ्लेक्टिव टेप जल्द से जल्द लगाए ताकि लावारिश पशुओं के कारण होने वाले हादसों पर अंकुश लग सके। उन्होंने कहा कि जिस समावधि के लिए सड़क बनाने का ठेकेदार के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, उसके लिए ठेकेदार की भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए ताकि निर्धारित अवधि के लिए ठेकेदार खराब हुई सड़क की रिपेयर समय से करे। बैठक में सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि अपने कामों को पूर्ण करने के लिए समय सीमा निर्धारित करें। उन्होंने कहा कि सभी विभाग हर जिले में कम से कम 5 किलोमीटर की मॉडल सड़क बनाए जो सड़क सुरक्षा के मानकों पर 100% फिट बैठे। उन्होंने इसके साथ यह भी कहा कि यह मॉडल सड़क कोशिश करके ऐसे जगह बनाए जहां दुर्घटनाएं अधिक होती हों। बैठक में कहा गया कि जिला स्तर पर भी विभाग अपने लक्ष्य निर्धारित करें। बैठक में कहा गया कि मोटर व्हीकल ड्राइविंग नियामक को लागू कराने के लिए अधिकारी योजना बनाए। इसके तहत ही जिला स्तर पर एक्सीएन और जे स्तर के अधिकारियों की भी इन नियामकों की जानकारी देने के लिए ट्रेनिंग कराने की जरूरत है ताकि सड़क सुरक्षा से जुड़ मानक सड़क बनाते समय ध्यान में रहे। सभी विभागों को 100% ऑडिट कराने के लिए भी कहा गया। राज्य स्तर के लीड एजेंसी के सभी संबंधित विभागों को एक अधिकारी को नियुक्त करने के लिए भी कहा गया जो पूर्ण समय देकर काम कर सके। प्राइम न्यूज 24 के लिए हरियाणा ब्यूरो की रिपोर्ट।